Hey, how's it going everyone? My name is Mari Bar, guys. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। So guys, पिछले एपिसोड में होगा लाला था एंटिटी को मारने के, हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। हम लोगों को सिर्फ इस एक दरवाजे को खोलना था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरे 7 कोड्स लगने वाले थे। बहुत ज्यादा मेहनत करे हम लोगों ने इन 7 कोड्स को ढूंढने के लिए। जब हम लोगों ने इस दरवाजे को खोला, हमें लगा था कि इसके अंदर एक ऐसा हिंट मिलेगा जिससे हम लोग होगा लाला था एंटिटी को मार देंगे इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब हम लोग यहाँ से अंदर गए गाइस, हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, बिकॉज इसके अंदर से एक और एंटिटी रिलीज हो गई जो कि उसी होगा लाला का भाई था। एंड अब गाइस, ये दोनों बंदे हम लोगों को मिलकर इस सर्वर के ऊपर मार रहे हैं। एंड ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड गाइस, अभी मैं एग्जैक्ट उसी जगह पर आया हूं जहां पर हमारे वो 7 कोड थे। एंड गाइस, चेक दिस आउट, वहां से अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल चुकी है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से अंदर जाने के लिए कि यहाँ से अंदर क्या होगा। लेकिन तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड की मैंने एंडिंग कहाँ पे करी थी, जब यहाँ अंदर से वो दूसरी एंटिटी रिलीज हुई थी, मैं भागता भागता गया था एक जगह पे एक अस्तबल के अंदर, जहां पर मैंने नीचे के लिए कूद कर मैं वहां पर अंडरग्राउंड छुप गया था। तो वहां से लेकर यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा गाइस, तुम लोग पहले वो देखो। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज मेरी गाइस उन दोनों बंदों के साथ भिड़ंत हुई है। एंड वो भिड़ंत कैसे हुई है तुम लोग अभी देखोगे। बट उससे पहले गाइस वीडियो का लाइक एम सेट कर लेते पूरे के पूरे 400,000 लाइक का। गाइस हम लोग बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं लाइक गेम के, बट कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो इस बार जरूर करना। एंड गाइस दिल से धन्यवाद 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। आज इस वीडियो को मैंने अपलोड किया और आज ही मुझे पता 3 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। ऑलराइट गाइस, तो मैं इस गड्ढे के अंदर तब से लेकर फंसा हुआ हूं। एंड ओवरऑल मैं यहां पर अभी तक लगभग 3 दिन से लेकर फंसा हुआ हूं, बिकॉज मैं मेक श्योर करना चाहता था कि होगा एंड हुला लाला मेरे पीछे ना आए। एंड सीरियसली ये लोग मेरे पीछे अभी तक नहीं आए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। बस एक दिक्कत है छोटी सी, वो ये है कि ब्रो आई हैव नो आइडिया कि मेरा ये ड्रीम बॉय कहां पर है। पता है हर एपिसोड की एंडिंग पता कैसे होती है हमारी, कि ड्रीम बॉय कहीं ना कहीं गैप हो जाता है एंड नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मैं इसको ढूंढ रहा होता हूं। हर बार गाइस अब हमारे साथ में यही हो रहा है यहां पे यार, और ये एक्चुअली बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। बिकॉज अगर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है गाइस, अगर गलती से भी एक भी बार यहां पे ड्रीम बॉय मर मरा गया ना, तो उसके बाद इसके यहां पे ना डार्क हिमलैंड के चक्कर लगने वाले हैं। और अब मैं यहां पर क्या करने वाला, इनफैक्ट मेरे को गाइस ये सारे के सारे जो हिंट्स है ना, ये जो कोड्स है, इनकी जरूरत है ही नहीं है मुझे, इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं भाई अब, है ना, ये क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी खोल दिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबके सबको यहाँ पर फेंक देने वाला हूँ, बिकॉज मेरी इन्वेंटरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है एंड मुझे अभी यहाँ पे ना स्पेस की जरूरत है। इस क्राफ्टिंग टेबल को लेकर चलते हैं अपने साथ एंड लेट्स गो। एंड गाइस अभी मेरे को बस यहाँ पे ना एक दो और काम करने हैं। इस ड्रीम बॉय को तुमको ढूंढना एकदम क्राउच होके ब्रो, ये होगा एंड हुला लाला आस पास ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोगों को हंट डाउन कर रहे हैं लिटरली स्पीकिंग। सो द थिंग इज गाइस कि आज मेरे को यहाँ पे एक्जैक्टली क्या करना है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो इस ड्रीम बॉय का ढूंढना है, मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि भाई ये बंदा मरे ना एंड मेरे को छोड़कर ये बंदा डार्क हेमलैंड के अंदर ना पहुंचे। अगर ये पहुंच गया तो मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। एंड इसके अलावा गाइस मेरे को ना यहाँ पे अपने एसजीओ से कॉन्टेक्ट करना है। तुम लोगों को याद होगा आज से कुछ टाइम पहले एसजीओ ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था यहाँ पे, तो सेम वे में मेरे को एसजीओ के साथ कॉन्टेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका होगा इस वर्ल्ड से भी। तो मेरे को वो ढूंढना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, कि ये हिमलैंड्स एंड डार्क हिमलैंड्स के बीच के कनेक्शन को मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आज की इस वीडियो के अंदर, कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा इस होगा एंड हुला लाला को मारने का जो तरीका है ना गाइस, मुझे वो भी आज के एपिसोड में ढूंढना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो। अगर हम लोगों को खुद जिंदा रहना है इस वर्ल्ड के अंदर ना, तो होगा एंड हुला लाला का जो कंसेप्ट है ना, इधर ही खत्म करना पड़ेगा, वरना कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे ना, जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर होंगे एंड हम लोग भी मर जाएंगे एंड हम लोग फिर डार्क हिमलैंड पहुंच जाएंगे, या तो फिर उससे पहले ही हम लोगों को बिना मरे वाले रास्ते से डार्क हिमलैंड का वे ढूंढना पड़ेगा। मैं एक्चुअली गाइस यहां पर आसपास कुछ जानवर वगैरह ढूंढ रहा हूं, बिकॉज मेरे पास खाने की कमी है। जब भी हम लोगों की फाइट होती है ना इन लोगों के साथ, हम लोगों को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन गाइस मुझे पता कैसे चलेगा इस बारे में कि भाई होगा एंड हुला लाला को कैसे मार सकते हैं, इनकी कमजोरियां क्या क्या है, आई हैव नो आइडिया। एक हिंट होता है कि आपको पता है कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हो इस चीज के बारे में पता लगाने का। मेरे पास नो हिंट, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ऊपर से अकेला घूम रहा हूँ यार एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर दो दरिंदे हम लोगों का मैनहंट कर रहे हैं एंड हम लोगों को एक्चुअली मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्केरी फीलिंग है वाली, अगर तुम लोग मेरी जगह पे होते तो तुम लोगों को पता चलता है इस फीलिंग के बारे में, बहुत ही ज्यादा स्केरी है। तो गाइस मैंने सोचा है कि जहां से हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में हुला लाला को आजाद किया था, याद होगा तुम लोगों को, उसी जगह पर जाकर उसको अच्छे तरीके से ना इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं वहीं पर जाने वाला हूँ एंड अभी मैं वहीं पर पता करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी होगा वहीं से पता चलेगा। तू आ जा बेटे, तू आ जा, तेरे को मारने की जरूरत है अभी। यस, अरे कहाँ गई वो वाली पहाड़ी ब्रो जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम पे थे। अरे खाना खाना फ्री का खाना, आ जा बेटे। ओह माय गॉड भाई, दोनों के दोनों बंदे साथ में। गाइस अगेन वहीं से नीचे देख रहे उस गड्ढे के नीचे जहाँ पर लास्ट टाइम में ड्रीम बॉय फंसा था। ओह माय गॉड गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने फिर से ड्रीम बॉय को सेम गड्ढे के अंदर कर दिया लास्ट टाइम पे, याद है तुम लोगों को, जो होगा लाला अकेला था, ये इसका भाई हुला लाला उस टाइम पे ना आजाद नहीं हुआ था।
उस टाइम भी एग्जैक्ट अरे इधर को देख रहा है बंदा, इसने मुझे देखते हो नहीं देखा। थैंक गॉड ब्रो, मुझे लग रहा है ड्रीम बॉय यहाँ से नीचे है, मेरे को लग रहा है ड्रीम बॉय ना यहाँ से नीचे है। चले गए ये लोग और गायब हो चुके हैं। मैं यहाँ से कम एक मिनट तक नहीं जाने वाला हूँ। लेट्स सी, अगर एक मिनट तक ये लोग वापस नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से जाने वाला आगे। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को इन लोगों से फाइट नहीं करनी आज के एपिसोड में, करनी ही नहीं है। जब तक मेरे को रास के ऊपर से पर्दा ना उठे कि इन लोगों को मैं मार कैसे सकता हूं। आज कुछ भी हो जाए मेरे को एसजीओ के साथ कनेक्शन करना ही करना और इनके मरने का रास पता करना। मैं यहीं पर रुकने वाला हूं। लेट्स सी। ओके गाइस, दो मिनट हो चुके हैं, दो मिनट से लेकर लोग वापस नहीं, अब चलते हैं भाई। अगर वहां पे ड्रीम बॉय फंसा होगा तो उसको फिर से एग्जैक्ट सेम तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। लेट्स गो। हेलो ड्रीम बॉय, नहीं ड्रीम बॉय यहां से नीचे नहीं है। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है भाई? मतलब ये लोग यहां से नीचे देख क्या रहे थे फिर इससे पहले? ये बहुत ही वियर्ड बात है। होगा लाला आ गया, हुला लाला भी आ गया। अरे भाई साहब, इन लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? तेरी पकौड़े, आजा 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 हुला लाला। ओ माय गॉड ब्रो, ये हुला लाला डर नहीं रहा इससे, ये होगा लाला तब भी डरेगा। निकल यहाँ से। ओ माय गॉड ब्रो, कितना सारा डैमेज देते हैं लोग, मैं फंस गया हूँ। गाइस आज मेरा चक्कर लगने वाला डार्क इंग्लैंड का, मिलता तुम लोगों से भी डार्क इंग्लैंड के अंदर। अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं बचूंगा भाई। अब दोनों के दोनों बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इन दोनों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? मुझे ये बताओ सबसे पहले, हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल? भाई छलांगे मार मार के मार रहे हैं बंदे मेरे को। रुक भाई, लड़के मरूंगा फ्री में तो मैं भी नहीं मरने वाला हूँ, मैं भी नहीं मरूंगा फ्री में। ओह माय गॉड भाई, इनको ना टच भी नहीं हो रहा, टच भी नहीं हो रहा इन बंदों को। ओह माय गॉड यार, इन दोनों को पता कैसे चला? मेरे को समझाओ कोई यार प्लीज, इन दोनों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? ये लोग लिटरली दो मिनट से लेकर गायब थे। ओह माय गॉड, उफ ब्रो मैं कैसे बचा हुआ, ना हटता मैं अभी लिटरली। ओह माय गॉड भाई साहब, मेरे लग चुके भाई बुरे तरीके से। भागो भागो भागो। होगा लाला तू तो डरता है ना बेटे, ये तो नेदरराइट से डरता है। हुला लाला नेदरराइट से नहीं डर रहा है। आजा बेटे, खड़े खड़े मार रहा भाई ये बंदा मेरे को यार। भाई साहब मेरी लग चुकी है, भाग भाग खड़े खा ले। नो, क्या 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 ये क्या कर रहा है ये बंदा? भाई भाई ऐसे मायावी बंदों के साथ कैसे लड़ेंगे हम लोग यार? होगा लाला तेरे को तो मैं डरा ही सकता हूँ ना भाई थोड़ा सा इससे, या एक सेकंड को मेरे को देखना तो हुला लाला डरता है क्या ये एक्चुअली? डर भाई, ये बंदा हाथ पे नहीं आ रहा है, ये बंदे मेरे हाथ पे नहीं आ रहे भाई, ये बंदे मार के देंगे आदमी को। गाइस आज मेरा डार्क इंग्लैंड का चक्कर लगने वाला है, बट तुम लोगों को ना कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताना कि इन लोगों का कैसे पता चला। निकल 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 नीचे नीचे निकल नीचे। इन दोनों को कैसे पता चला कि मैं वहां पर गड्ढे के अंदर जाने वाला हूँ? Oh my God, इसने मेरे ब्लॉक फेस करवा दे बदसूरत ने। निकल यहाँ से भाई, ये बंदे के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, या तो फिर ये लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। इसको नीचे निकाल, इसको नीचे निकाल। भाग, मैं F5 में क्यों खेल रहा हूँ यार, मैं गलती से F5 में खेल रहा था सीरियसली। मैं क्या एक नंबर का बेवकूफ हूँ मैं सच्ची में, सीरियसली मैन। निकल मैं उल्टी साइड भाग जाऊंगा, मेरे को बस कुछ, मैं को बस यहाँ पे सर्वाइव करना। हो सकता है यहाँ पे ड्रीम बॉय आ जाए मेरे को बचाने के लिए। ड्रीम बॉय भाई आजा प्लीज। कहते हैं जब हम लोग दो बंदे साथ लड़ रहे होते हैं ना तो पता क्या होता है, एक बंदा मार खा रहा होता है तो दूसरा बंदा इनका ध्यान भटका देता है। ओके थैंक गॉड इसने ये काम किया, बिकॉज मैं ऊपर के लिए जा सकता हूँ। लेट्स गो, थैंक यू होगा लाला, थैंक यू होगा लाला। ओके अब यहाँ पे छलांग मारेगा, इसको नहीं दूंगा छलांग मारने में मेरे ऊपर। निकल लेगा बच गया। ओ माय गॉड, ओह बच गया, कहाँ है ये लोग? अरे भाई साहब बच गया फिर से। निकल यहाँ से पकौड़े, नहीं दूंगा यहाँ पे आने बेटा, यहाँ नहीं दूंगा आने तुम लोगों को मैं, नहीं दूंगा आने। ओके इनकी रीच से थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका हूँ मैं। ओ माय गॉड भाई भाई मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं नीचे नहीं आऊंगा। ये लोग कैसे अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं? मेरे को लग रहा है मेरे डार्क इंग्लैंड के चक्कर लगने वाले भाई साहब। होगा लाला, ओ माय गॉड नीचे से देख रहे मेरे को अभी तक। आजा, ऊपर नहीं आ सकते हैं। ओके अब आई डोंट नो कि इन दोनों के पास ब्लॉक होंगे कि नहीं होंगे, मुझे लगता है ये लोग ब्लॉक लेके घूमते होंगे। भाई ये लोग भूत है यार, भूत का ब्लॉक लेके आते कि ओह माय गॉड ये बंदा मेरे पास पहुंचने वाला था भाई अभी। होगा लाला टच ना करियो, निकल यहां से पकौड़े। थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा एंड आई एम आउट ऑफ ब्लॉक्स। ओके लेट मी डू वन थिंग इसको निकाल के रख। ओके एंड लेट्स गो। ओह माय गॉड ये बंदा भाई वहां से छलांग मारने की कोशिश कर रहा है भाई, ये लोग कितने सारा डेस्परेट है मेरे को मारने के लिए। ड्रीम बॉय अभी किसने छलांग मारी शायद से मेरे ब्लॉक्स के ऊपर। ड्रीम बॉय कहां पर हो आप, प्लीज आ जाओ, आ जा तेरी पकौड़े, निकल यहाँ से। मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, एक बंदा वहां से आ रहा है और एक बंदा यहाँ से आ रहा है। मेरे को डार्क हिमलैंड के चक्कर लगने वाले मेरे को लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ ना मैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ पर मेरा ब्लॉक्स नहीं है। ओके आ गया, आ जा पकौड़े, आ जा तेरी ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानूंगा भाई अभी। आ जा फिर से आ जा बेटे, तू तेरे को मैं ऐसे फेंकेगा नीचे के लिए, तू फिर से आ जा। जितना देर तक मैं जान अपनी
रख सकता हूँ, मैं रखने वाला हूँ ब्रो। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा खेल रहा हूँ अभी। ओ माय गॉड, उछाल। बेचे क्लच गॉड है हम लोग यहाँ पे, मजाक समझा है क्या ब्रो? मैं कैसे बचा अभी, आई हैव नो आइडिया। मेरे को खुशी हो रही है कि मैं बच गया अभी, बट कब तक? मेरे को निकालना, मेरे पीछे आगे बंदे, भागो 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 यार। मैं गायब कैसे हो जाऊँ भाई इनकी नजरों के सामने से यार? ये लोग बहुत ही मायावी बंदे, इनको पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा मेरे बेटे, अरे होगा कहाँ गया? एक बंदा गायब है इनमें से, तू आ जा फिर तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा। अरे कुत्ता किसका है? मेरा कुत्ता ये, मार कुत्ते इसको। अरे मैंने अपने कुत्ते को मार दिया। नो फेस, मैंने अपने कुत्ते को शॉट मार दिया गलती से। कौन उलाला कर, इसने मेरे कुत्ते को टच किया ना ब्रो। मेरा कुत्ता कैसे टच किया भाई? मैं पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता होगा लाला है, हुला लाला है, चूला लाला है, पिताजी आपके जो भी आ जाएंगे भाई सबको मार दूंगा। मेरा कुत्ता तो सेफ है ना ब्रो। आ गया, आ रहा तेरी, आ रहा तेरी। ओ भाई साहब, भाई इन दोनों को पता नहीं चला, ये दोनों उस गड्ढे में नीचे देख रहे हैं। माय गॉड ब्रो, तुक्के में एस्केप हो गया मेरा। ओ माय गॉड, मैं लिटरली अभी वन हार्ट था मैं गाइस, मैं वन हार्ट पे बचा था। हम लोगों ने देखा, अब निकलो यहाँ से, अभी इन लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ भाई साहब। ये बैरी पिछौड़े में चुप बैठे अभी। निकल 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 निकल, खाना खा जितना ज्यादा खाना खा सकते ब्रो। गाइस अभी कुछ भी हो जाए, इस रास के ऊपर से पर्दा उठाना ही उठाना है कि इन दोनों को कैसे मार सकते हैं। ये लोग बहुत ही खूंखार किलर्स हैं, ये नहीं छोड़ने वाले मेरे को। और इन दोनों का मकसद क्या है भाई हमें मारने का, वो भी मुझे आज की इसी वीडियो में पता करना है। ब्रो मैं बच गया यार, पीछे तो नहीं आ रहे ना भाई, प्लीज प्लीज नहीं है मेरे पीछे आए। थैंक यू गाइस, फटाफट निकलते और मैं वहां पे जाने वाला। देखो मेरा प्लान है कि अभी मैं वहां पे जाऊंगा, क्या बोलते हैं, जहां पे हमारा, जहां से मैंने गलती से हुला लाला को ना लास्ट एपिसोड में अनलीश कर दिया था, वहां चलते हैं। देखो अगर मैं वहां पे जाके थोड़ी बहुत तफ्तीश करूंगा तो वहीं पर मेरे को वो मिल सकता है कोई ना कोई हिंट। उसके अलावा देयर इज नो वे कि हम लोग यहाँ पे पता लगा सके कि भाई हमको नेक्स्ट क्या करना हो सकता है, वही है ना। उसके अलावा मैं और कहां ही जा सकता ब्रो? लेट्स गो डाउन, इधर ही किधर हमारी वो थी। देखो ये हमारा वो समर हाउस है एंड इसी के आसपास वो जगह थी यार। अब मैं कंफ्यूज, यहाँ पे है। लेट्स गो ना बस भाई, अगर होगा हुला लाला मेरे आसपास पीछे से आ रहे होंगे या तो फिर वो नीचे होंगे ऑलरेडी पहुंचे हुए। देखो इस जगह को मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, अगर वो नीचे होंगे ना भाई मेरी ना बैंड बच जाने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। लेट्स गो डाउन प्लीज, भगवान जी आपसे दुआ करता हूँ मैं कि यहाँ पर वो ना हो। देखो लास्ट एपिसोड में गए सब कुछ पार करके हम लोगों ने ये इतने सारे कोड निकाले थे एंड वो दरवाजा टूट गया। हेलो, ओ माय गॉड भाई दरवाजा गायब हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। ओ माय गॉड ब्रो, यहाँ पर एंट्रेंस खुल चुकी है और यहीं पर तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हुला लाला खड़ा था। चले यहाँ से पीछे। ओके मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने W दबाया हुआ, लिटरली S एंड W, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ओके यहाँ से आगे जा, अरे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई, एक सेकंड रुको भाई, तू नीचे हो जा एंड वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स गो, कीप योर स्टफ आउटसाइड। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को मेरा सामान बाहर रखना है, ये चाहता है मैं अपनी इन्वेंटरी को बाहर रखूं। मेरे को लग रहा है गाइस देखो आगे, अरे भाई मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आगे डेजर्ट है भाई? मैं इस वक्त पता कितना नीचे हूं, मैं अंडरग्राउंड आ चुका हूं एंड इसके आगे ना यहां पर ये है डेजर्ट टेंपल है एंड यहां से आगे देखो क्या है, पूरा पूरा डेजर्ट दिख रहा है मेरे को भाई। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बन चुका है यार हमारा ये वर्ल्ड, और ये चाहता है कि मैं अपना सारा स्टफ बाहर रखूं, बट क्यों, इसके पीछे का क्या राज है? आई डोंट नो, बट मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करते हैं, अब देखो मैं यहाँ पर ना वो बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ से अंदर कोई भी सामान नीचे प्लेस नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ही अजीब सी बात है यार, थोड़ा सा दूर चलते हैं एंड आई गेस यहाँ पर कहीं, देखो यहाँ पर मैं प्लेस कर सकता हूँ। ये है भाई साहब सही बात है ना। अब यहाँ पर ऐसा करो, एक बनाता हूँ चेस्ट, लेट्स गो, चेस्ट को नीचे लगाने वालों में सारा सामान अंदर रख दूंगा। लेट्स गो, अब देखते हैं कि भाई वो हमारी एंट्रेंस खुली है कि नहीं खुली है। प्लीज 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 खुल जाइए, प्लीज खुल जाइए। ओ माय गॉड, ये वाला एंट्रेंस खुल चुकी है ब्रो, ये क्या हो रहा है सर्वर पे? कीप योर स्टफ आउट, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, जैसे सामान बाहर रख के आया हमारी वाली एंट्रेंस खुल गई। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत ज्यादा मैजिकल है भाई। मैं इस वक्त अंडरग्राउंड घूम रहा हूँ बट स्टिल यहाँ पर एक एंट्रेंस ओपन हो चुकी है एक ओपन वर्ल्ड के लिए, और यहाँ पर भी मैं कुछ खुदाई नहीं कर पा रहा। देखो ये हमारी एंट्रेंस है, ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा मैजिकल है यार। मैं एक अलग से विलेज के अंदर पहुंच चुका हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पर देखो कितने सारे जानवर भी। हेलो हेलो घोड़ू लाल भाई, पर मेरे को एक चीज समझ नहीं है कि जो हमारी एंट्रेंस है ना वो वाली, उसके साथ इस
विलेज का क्या लेना देना है, मतलब ये विलेज यहाँ पर कैसे आया, जहाँ पर होगा लाला मीन हूला लाला जहाँ पर कैप्चर था उसके बैक साइड में एंट्रेंस की ये विलेज कैसे कनेक्ट हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ राज जरूर हूला लाला का इस विलेज के साथ जुड़ा हुआ है। एंड गाइस यहाँ से मेरे को कुछ भी हो जाए आज पता करने ये हूला लाला को मैं कैसे मार सकता हूँ, है ना, ये बहुत ही बड़ा राज है, इसके ऊपर से पर्दा उठाना है। ओके हेलो, ये पूरा का पूरा मैप है इस विलेज का। एंड यार यहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, तो यहाँ पर ना हमको बहुत कुछ दिख रहा है। देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड यहाँ पर देख रहे हो तुमको ये वाली जगह, यहाँ पर से मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, मैं यहाँ से आ गया हूँ और वहां से एंड में देख रहे हो तुम लोग एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप दिख रहा है मेरे को। इसके अलावा विलेज काफी ज्यादा बड़ा, देखो यहाँ आगे तक जा रहे हैं, वहां पर कुछ लाल लाल भी दिख रहा है यार, देखो यहाँ पर भी कुछ लाल लाल दिख रहा है। ब्रो कोई बात नहीं, इस मैप के थ्रू हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं ना आगे के लिए चलते, वहां पर एक चेस्ट दिख रही है, पहले मैं उस चेस्ट को खोलने वाला हूँ। प्रो मैं नंगा हूँ इस वक्त, तुम लोगों को पता है अगर इस विलेज के अंदर भी होगा लाला हुलाला आ गए ना, मैं इस वक्त नंगा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा डायरेक्ट डार्क हिमलैंड का चक्कर लगने वाला है। तो अभी मैं मैक्सिमम रिस्क पे हूँ भाई, अभी मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है, प्रोटेक्शन 4 नहीं है, मैं इस चेस्ट को खोलूंगा कैसे, ये कहाँ से दिख रही है चेस्ट, हाँ ऊपर है यार, पर मेरे को खोलूंगा कैसे, हो सकता है इसके अंदर कोई आर्मर वगैरह मिल जाए मेरे को, बट इस तक मेरी रीच ही नहीं है ना, मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ, इसको एक्सेस करना इज इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड ये पेड़ देखो यहाँ पे कितना बड़ा है ब्रो, कितना मैजिकल पेड़ है यार सीरियसली। अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हेलो ये घूम रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। ओ माय गॉड व्हाट द हेल, वहां अंदर बंदर, रुको भाई, उस तक मैं जाऊंगा नहीं, पहले मैं इसको देखने वाला हूं यहाँ पे, क्या मैं इसके हाथ से तलवार छीन सकता, भाई प्लीज तलवार दे दे यार, ये बंदा मेरे को तलवार नहीं दे रहा है। और मैं इस बंदे से यहाँ पे, अबे मैं इस बंदे से वो भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ आर्मर, मैं इससे आर्मर निकाल नहीं पा रहा हूँ, शिट यार दिस इज सो वियर्ड। अदरवाइज मेरे को ना पूरा का नेदर का आर्मर इसी बंदे से मिल जाता जो हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मली। एंड मेरे को पता क्या फील हो रहा है ना गाइस, देखो यहाँ पे देखो डिस्पेंसर है ऊपर, ये ऑब्जर्वर है सॉरी, और ये डिस्पेंसर से लगे हुए, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कैसल है जिसे वो सेनापतियों के होते हैं, तो जो सेनापति लोग होते हैं ना, ये कैसल जो प्रोटेक्टिव कैसल है बेसिकली, ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा ये ऑब्जर्वर, और ये जो यहाँ पे ये थ्रो करने वाले यहाँ पे एरोज वगैरह थ्रो करेंगे। एंड यहाँ से बाहर देखो इस बंदे को देखो भाई साहब, 6 हाथ है इस बंदे के पूरे, बट इस बंदे से मैं ये नहीं निकाल पा रहा हूँ, कितनी दुख की बात है, वरना मेरे पास कितनी सारी तलवार हो सकती थी, और ये बंदा कौन है भाई, आई हैव नो आइडिया। ऐसा करते गाइस अंदर चलता और मैं इस बंदे के पास आता हूँ जरा। ब्रो ये बंदा कौन है यहाँ से सामने यार, और हेलो हेलो सर, ब्रो ये बंदा मेरे को देख रहा है, हेलो आप हो कौन है यहाँ पे, हेलो अभी नीचे हाय लिख रहा है बंदा मेरे को, हाय भाई ये बंदा अपनी मुंडी ऐसे घुमा रहा है, और ये बंदा जिंदा है, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है ये, और उसका नेम टैग भी नहीं दिख रहा भाई ऊपर, इसका नाम क्या है आई हैव नो आइडिया। मेरे को लग रहा है मैं कुछ बंदे से एक बार बात करनी पड़ेगी। एंड जो मैंने तुम लोगों को बताया वाला कैसल वही वाला कैसा लग रहा है मेरे को, जहाँ पे यू नो देखो यहाँ पे आर्मरी की प्रैक्टिस कर रही है बंदे यहाँ पे, और ये बंदा यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और ये बंदा हैव नो आइडिया कौन है, मैं इससे पूछ के आता हूँ बंदा कौन है यहाँ पे। और गाइस मैंने इस बंदे से अभी यहाँ पर बात करी, बंदा पता कौन है, तुम लोग पता जैसे विलेज होते हैं ना, इस विलेज का नाम सबसे पहले पता क्या है, गार्डियन विलेज। और इस बंदे ने मेरे को बताया कि ये बंदा इस विलेज की एक जो सेना होती है ना, उसका सेनापति था, तुम लोग इसके कपड़ों से ही पहचान सकते हैं, देखो इसके कपड़े पूरे के पूरे ऐसे सेनापतियों वाले कपड़े हैं इसके, और भाई मैं इसके नारे पर घूम रहा हूं, इसको अगर शक हो गया ना कि इसको ये लगा कि शायद से बंदा मेरे को मारने के लिए मेरे नारे पर जा रहा, तो भाई मेरी बैंड बजा देगा बंदा, ये बहुत ही स्ट्रांग आदमी है। और इससे बताया कि इस विलेज का नाम है गार्डियन विलेज एंड ये उसका सेनापति था, लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई इन लोगों के साथ, इसने मुझे पता क्या बताया ना, बिकॉज ये लोग यहाँ पे गार्डियंस थे, ये लोग क्या करते थे आसपास के जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितने विलेजेस है, जो भी पूरे इलाके के जितने भी लोग है सबको प्रोटेक्ट करते थे, एंड इनकी ना एक बहुत बड़ी सेना थी यहाँ पर बहुत पहले, ठीक है, जिसके लिए तुम लोग देख सकते हो वाला कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे बंदों ने यहाँ पे हमला किया ना इन लोगों के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जो कि लिटरली इसने मुझे बताया कि वो थे जादुई ताकतों वाले बंदे, समझ रहे तुम लोग। एंड इन लोगों ने क्या किया, उनमें से एक बंदे को कैप्चर कर दिया एक जेल के अंदर, बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने के बाद, बहुत ज्यादा मुश्किल करने के बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि उसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और इन लोगों ने अपने इसी विलेज के पास में एक जगह पे उसको कैप्चर किया था गाइस, और वो बहुत पहले की बात है गाइस, बहुत पहले इन लोगों ने उसको कैप्चर कर दिया है। एंड तब से लेकर उस बंदे का भाई है जो कि इस विलेज के अंदर आके यहाँ पे हर बार दहशत मचा रहा है, एवरी सिंगल टाइम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आ जाता रहा, और उस बंदे ने क्या किया कि इस पूरे विलेज को गाइस खाली करवा दिया। तुम लोगों को पता है इस विलेज के अंदर तुम लोगों को ना एक भी वो नहीं मिलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, विलेजर नहीं मिलेगा जो जिंदा है इस बंदे की तरह, बिकॉज ये अकेला बचा हुआ यहाँ पे, और इस बंदे के अलावा सिर्फ एक और बंदा इस विलेज के अंदर जिंदा बचा हुआ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा अभी वो कौन है। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि इस
विलेज के आसपास कौन बंदा था जेल के अंदर बंद हुआ हुआ? गाइस उस बंदे का नाम है हुला लाला। मैंने खुद लास्ट एपिसोड में उस बेवकूफ को आजाद करवा दिया और ये बंदा मुझे पता क्या बोल रहा है, अभी लगभग 2-3 घंटे पहले जिस बंदे को उन्होंने कैप्चर किया था ना बहुत पहले, वो भी बाहर निकल गया। पता नहीं किस बेवकूफ ने उस दूसरे बंदे को जेल से आजाद करवा दिया। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि वो बेवकूफ मैं हूं? मैंने और ड्रीम बॉय ने मिलके पूरी पूरी मिस्ट्री सॉल्व करी और उस बंदे को यहाँ पे आजाद कर दिया। आप ये बंदा डरा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इस बंदे ने एक और बात बताई है, जो हुला लाला एंड होगा लाला है ना, वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन दोनों को मारना इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, हम लोग उसको नहीं मार सकते। देयर इज नो वे कि वो इस वर्ल्ड के अंदर मरने वाला है। तो इस बंदे ने मेरे को बताया उसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे मरेगा, वो इनके किंग को पता है। और वो जो किंग है ना हमारा, वो पता कहाँ पे रहता है? इसने मेरे को एक जगह दिखाई थी अभी अभी, कहाँ है वहां ऊपर देखो, वो देख रहे हो तुम लोग जगह, उस जगह का नाम इस विलेज वालों ने रखा है हेवन। इस जगह के लोग हेवन बोलते हैं और हेवन के टॉप में, वहां ऊपर टॉप में एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर इनका राजा है। तो इसने मेरे को बताया कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये बंदा मेरे को ऊपर उस राजा के पास जाने का रास्ता बताएगा। बेसिकली वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ देने वाला है जिससे मैं डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाऊंगा। आई हैव नो आईडिया वो क्या होगा, बट इसने मेरे को बताया कि भाई तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी। जितनी बार होगा नूलाला इस विलेज के अंदर आते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जुर्म उठाते हैं इस बंदे के ऊपर। मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइस, दो टाइप के आर्मर मिलने वाले हैं इस विलेज के अंदर। एक है किंग्स आर्मर जो कि किंग्स क्राउन है बेसिकली, और एक है हीरोज आर्मर। और हीरो वाला आर्मर इसको देना पड़ेगा बिकॉज ये बंदा ना हीरो ऑफ द विलेज है, इस विलेज का हीरो था हमेशा से लेकर। एंड तुम लोगों को पता है हीरो ऑफ द विलेज कब बनते हैं, हम लोग जब हम लोग लाइक सारी बुराइयों को मार देते हैं तो हम लोगों को हीरो ऑफ द विलेज का टैग मिलता है। तो ये बंदा हीरो ऑफ द विलेज है, तो इसके लिए मेरे को लाना पड़ेगा एक आर्मर। एंड जो किंग्स आर्मर है गाइस, वो हमको ऊपर उस किंग के लिए लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज वो जो किंग है वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। बिकॉज अगर किंग मर गया तो होगा एंड हुला लाला कभी भी नहीं मर सकते, बिकॉज इस दुनिया में सिर्फ इस गार्डियंस विलेज का किंग बचा हुआ जो ऊपर छुपा हुआ बेचारा, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है होगा एंड हुला लाला को कैप्चर करने की और उनको मारने की। तो भाई मेरे को वहां तक पहुंचना है इसी वीडियो के अंदर, कुछ भी हो जाए। तो मैंने इस बंदे को हाँ कर दिया भाई, मैंने इसको बोल दिया कि ब्रो मैं तेरे यहाँ पर मदद करने वाला हूँ एंड मैं वो मदद करने वाला हूँ ब्रो, ठीक है तैयार है ना भाई तू? यस बंदा हाँ कर रहा है भाई, थैंक यू सो मच मैन। तो इस बंदे ने गाइस मेरे को एक छोटी सी हिंट दिया है, इस विलेज के अंदर ना मेरे को वो मिलने वाला है। सबसे पहले उसका नाम बोला इसने फायर टेम्पल। तुम लोग ऐसा मत सोचना कि इतनी आसानी के साथ हम लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम लोगों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इस विलेज के अंदर जगह पे एक फायर टेम्पल है, पहले हमको फायर टेम्पल के अंदर जाना है एंड वहां पर पूरी की पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा शायद से डेजर्ट टेम्पल, देन एक और टेम्पल, पहले तीन टेम्पल्स का नाम लिया इस बंदे ने, तीनों टेम्पल्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन हम लोगों को वो दोनों के दोनों आर्मर्स मिल जाएंगे। पर दिक्कत पता क्या रहेगा, मैं यहाँ पे अभी निहत्ता हूँ और नंगा घूम रहा भाई। मैं एक सीन रुको, एक चीज रुको ब्रो, मैं बस एक काम करने वाला सर आपके यहाँ पर। ओके वहां पर एक चेस्ट है प्लीज, इसके अंदर कुछ तो हो। ओ यस, इसके अंदर यहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा ये मिल चुका है, ये है और ये है, बस इतना सामान मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ओके ब्रो ये है बहुत ज्यादा जरूरी मेरे लिए। इसके अलावा अगर आप एक एक्स होती है ना ब्रो तो बहुत अच्छा होता है, एक और आयरन की सॉर्ड लेकर रखता हूँ मैं ना। एंड इसने मेरे को बताया कि यहाँ पर हम लोगों को ना 3-4 ओ यस देखो ये भी मिल चुका है, दिस इज नाइस। अब थोड़ा सा मैं प्रोटेक्ट कर सकता खुद को। मैंने इसमें बताया अलग अलग जगहों पे यहाँ पे मेरे को अलग अलग टाइप की वो भी मिलने वाली है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, तलवारें वगैरह मिल जाएगी जो कि थोड़ी बहुत अच्छी होगी पर ढूंढनी पड़ेगी वो, है ना। ये बंदा खुद बेचारा इससे बाहर नहीं निकल सकता, होगा ढूंढ लाने इसका भाई बुरे हाल है किए इस बंदे के। ये बंदा खुद यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। एंड पहले ना अच्छे तरीके से गाइस इस विलेज को चेक करते प्रूव, मेरे को ना इसको खोलने का बहुत ज्यादा मन है यार। ओ एक सेकंड रुको, मैं ऐसा करता हूँ भाई, सॉरी पिगी दादा खाना नहीं है मेरे पास, को खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, आप भी आ जाओ सर जी, देखो खाना खाना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए यहाँ से ऊपर इसके अंदर। ओ यस थोड़े बहुत एप्पल्स मिले खाने के लिए, दिस इज नाइस। खाने का सामान मैं जितना ज्यादा यहाँ पे जोड़ सकता हूँ मैं जोड़ता हूँ एंड फिर उस फायर टेम्पल को ढूंढते एक बारी। ओ यहाँ पर एक वेल दिखा मेरे को, ओ यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रेंस है, लेट्स गो भाई, बेस्ट है ये तो यार। देखते यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर एक और तलवार है, इस तलवार को देखो मैं तोड़ नहीं सकता यार, इसको मैं घुमा सकता हूँ। अरे नेदरराइट की तलवार दीवार पे चिपकाई भी भाई, मिल नहीं रही है। लेकिन मेरे को इसके अंदर क्या है, डोंट टेक एनीथिंग और कर्स विल फॉलो यू, कि इसके अंदर कुछ तो होगा। नेदरराइट का पूरा आर्मर है विद नेदरराइट की स्वॉर्ड, होगा लाल से लड़ने के लिए बहुत बेस्ट है ये, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको अगर मैं लूंगा तो कर्स मुझे फॉलो करेगा। अबे चेस्ट खुली की खुली भाई, ये बहुत वियर्ड है, मेरे को निकलने दो यहाँ से, मैं नहीं निकालूंगा इसको भाई, मैं चाहता नहीं कि कर्स मुझे फॉलो करे, जो भी मतलब था भाई इस बात का, मेरे को एक्चुअली डर है। देखो ये है, यस फाइनली मेरे को एक डायमंड की स्वॉर्ड मिली, हे भगवान, थोड़ा सा थोड़ी सी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को अभी भाई, डायमंड की स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा हंगर बार बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट जा रहा है। ओके अब ऐसा करते हैं
यहाँ पर, ओ ये एक सेकंड रुको, यहाँ पर एक दरवाजा है बट यहाँ पर इसको खोलने की जगह नहीं है। इसके अंदर देखो गाइस, इसके अंदर एक बटन है ना, तुम लोगों को दिख रहा होगा बटन। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर मेरे को एक बटन प्रेस करना पड़ेगा, उस बटन को दबाते ही कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिलहाल को पता नहीं क्या होगा बट लेट्स सी। मेरे को यहाँ पर सबसे पहले वो फायर टेम्पल ढूंढना है। बहुत ही ज्यादा बड़ा विलेज है गाइस वाला, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। अब दिक्कत वही है सबसे बड़ी। और गाइस मैं बड़ा देर से लेकर यहाँ पर घूम रहा था, मेरी किस्मत अच्छी है, यहाँ पर एक स्मोकर मिल चुका है जिसके अंदर थोड़ा बहुत कोल है, इसको फटाफट पकाते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं बाहर। फायर टेम्पल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद देखो मेरे को उस बंदे की मदद करनी ही पड़ेगी गाइस, बिकॉज वो आखिरी उम्मीद है मेरी। उस बंदे ने जब बोल दिया है कि वो हमको उस हेवन तक लेके जा सकता है ना, उस हेवन पे हमको सारे के सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा जब हम उस किंग से मिलेंगे, तो कितनी खुशी की बात है भाई, है ना। तो जितना भी होगा मैं करने वाला भाई, जितना भी मैं कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर ग्रेवयार्ड है। हेलो, और यहाँ पर एक बंदा है जो नीचे देख रहा है, पकौड़े डरा दिया। ओके, यहाँ से नीचे देख रहा है बंदा, इसके किसी बेचारे उसकी होगी, मतलब ये आखिरी विलेजर शायद इस विलेज का बचा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना यहाँ से नीचे। अब देखो मैं इसको खोद नहीं पा रहा हूँ, मे बी एक हिंट है, मे बी ये हिंट नहीं है, आई डोंट नो। फिलहाल कैसा करो भाई, उस फायर टेम्पल को ढूंढते हैं भाई। मेरे को तो फायर टेम्पल ही नहीं मिल रहा है, उसकी मिस्ट्री को कहाँ से सॉल्व करूंगा मैं भाई। और गाइस तो यहाँ देखो, ये जो घर है जहाँ से हम लोग एंट्रेंस स्टार्ट की थी ना अपनी, मैंने इस घर को जब चेक किया तो इस घर के अंदर मेरे को एक बहुत ही सीक्रेट जगह मिली है। एंड इस चेस्ट के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे फायर टेम्पल की है, कैन बी प्लेस ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बट फायर टेम्पल ही नहीं मिल रहा भाई, बड़ी देर से लेकर ढूंढ रहा हूँ यार। ऑल राइट, तो मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, जहां से मैंने स्टार्ट किया था यहीं पर मुंह के सामने फायर टेम्पल है हमारा, मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ। फायर टेम्पल की को यहाँ पे लगाऊंगा, इसको प्रेस करते ही ओ यस, फाइनली फायर टेम्पल के अंदर आ चुके हैं ब्रो। दिस इज अवसम, ये क्या हुआ? ओके, अरे भाई साहब ये दरवाजा बंद हुआ यार, डर गया मैं भाई एकदम से यार। खाना खाओ थोड़ा सा, एंड अब यहाँ पर कुछ तो करना है हमको, डायमंड ब्लॉक ऑन ऑब्जर्वर। ओके, और मेरे को गाइस हाँ एक और चीज है। ओके, वहां पर देखो लास्ट में चेस्ट रखी हुई है, मेरे को वहां पर जाना शायद से, बट यहाँ से ऊपर होकर जा नहीं सकते हैं। एंड कोई भी ब्लॉक, ऐसे मेरा ब्लॉक एक ही पड़ा हुआ है बट मैं इस ब्लॉक को नीचे प्लेस नहीं कर सकता हूँ। ऑफकोर्स अब मुझे सारी सारी मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी इस डेजर्ट टेम्पल के। उस बंदे ने गाइस मुझे एक और बात बताई, ये मिस्ट्रीज को हम लोगों को सॉल्व क्यों करना है? इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे ना होगा, एंड हुला के बारे में कुछ और चीजें हम लोगों को पता चलने वाली भाई, कुछ और चीजें। वो तभी पता चलेगी जब साथ साथ मिस्ट्रीज हमारी सॉल्व होती रहेगी, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है ये। यहाँ पर एक अरे वाह बेचे वाह, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर एक ये मिल चुका है, रेड स्टोन डस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन रेड कॉन्क्रीट। रेड कॉन्क्रीट तो ये है, यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर नहीं होगा प्लेस, लेकिन यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, दो हो चुके प्लेस। अच्छा, हमको इस पिस्टन को मूव करवाना है एंड इसके पीछे पक्का यहाँ पर कोई ना कोई चेस्ट वगैरह रखी होगी, तो मेरे को अभी एक दो तीन चार चीजें और चाहिए इसके लिए। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, आसपास देखते हैं, आसपास कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर आसपास लावा ही लावा है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज रीसेट, से रीसेट का बटन है। एंड ओके, ओह आई गॉट इट ब्रो, ये वहां पे डायमंड का ब्लॉक है एंड ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तुम लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पजल्स है यहाँ पर क्यों है। उस बंदे ने मुझे बताया था कि किसी भी एंड गोल तक पहुंचने के लिए एक ऐसा बंदा वहां तक पहुंच सकता है जिसके पास दिमाग है, जो हम लोग है। तुम्हारे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है, लेकिन ये जो होगा एंड हुला है ना, ये लोग एंटिटीज है, ये लोग इंटेलिजेंट है, इसने मुझे बताया, लेकिन ये लोग पजल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इनके पास क्रिएटिव दिमाग नहीं है, इनके पास मोटा दिमाग है, बैल बुद्धि है ये लोग, बेसिकली ये लोग सिर्फ मार धार जानते हैं। और गाइस तो मैं अभी इस बंदे को वापस गया, इस बंदे ने मेरे को पता क्या बताया कि जो हमारी ये वाली सॉर्ड है ना, ये सॉर्ड अभी हमारी यहाँ पे सिंपल सॉर्ड है, एंड जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इन डिफिकल्टीज को पार करेंगे ना, वैसे वैसे ये जो सॉर्ड है ये हीरो सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और गाइस इस सॉर्ड का जब यहाँ पे मैक्स लेवल आएगा ना, तो होगा लाला की बैंड बजने वाली है, एंड हुला लाला की भी, बिकॉज वो इस हीरो सॉर्ड से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये राज की बात है, मतलब मेन, तो इसलिए हम लोगों को ये सारे के सारे पजल, ये सारे के सारे टेम्पल्स को क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, इसको ऑब्जर्वर के ऊपर लेकर आना है, और जैसे ऑब्जर्वर के ऊपर लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। जब ये ऑब्जर्व करेगा तो कुछ ना कुछ ये करने वाला है यहाँ पे। अब ये दिमाग से हम लोग लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकता। देखो पहले इसको मैं आगे के लिए खिसकाऊंगा, ये यहाँ पे हवा में आ चुका है। अब ओके, आई कैन डू वन थिंग, अगर मैं इसको दबाता हूं तो ये आगे जाएगा, यस, और ऊपर वाले को दबाते ये नीचे हो जाएगा, दिस इज नाइस। एंड मेरे को यहाँ पर इसको रीसेट करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने इसको आगे के लिए खिसका दिया। रुको मैं बताता हूँ क्या करना है, पहले इसको आगे लेंगे एंड पहले इसको दबाना पड़ेगा, देन उसको आगे करेंगे, एंड जब इसको दबाऊंगा तो हमारा ये डायमंड नीचे आ जाएगा, एंड इसको दबाते डायमंड आगे हो जाएगा ऑफकोर्स। एंड अब इस डायमंड को मेरे को आगे के लिए खिसकाना है, इधर के लिए हो जाएगा, एंड आई गेस अगर मैं इसको आगे के लिए और खिसकाऊंगा
तो अब इसको मुझे यहाँ लेके आना है। यहाँ पर मैं इसको कैसे लेके आ सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। इसको कर, अरे नीचे एक और पिस्टन है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। अरे हो गया गाइस, देखो यहाँ से आ गया है, अभी वाला पिस्टन ऊपर से इसको नीचे के लिए करेगा। एंड अब इसको जैसे मैं खिसकाऊंगा, कुछ तो हुआ, देखो ऑब्जर्वर पे आ चुका, कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा, गारंटीड कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा, बट क्या हुआ आई हैव नो आइडिया। कोई ना कोई चीज यहाँ पर खुली होगी, बट वो क्या खुली है, अरे शायद से ये खुला। हाँ ये तो यहाँ पे नहीं था, ये तो मैंने नहीं देखा था इससे पहले। यहाँ देखो एक नया ऑब्जर्वर आ चुका है, एंड ओ माय गॉड यहाँ पे देखो भाई कितने ज्यादा चालू है। एक चेस्ट छुपाई हुई थी, कैन बी प्लेस ऑन रेड टेराकोटा, रेड टेराकोटा ये है, ये नहीं है। रेड टेराकोटा कौन सा भाई, ये वाला। हाँ अब देखो यहाँ से हमारा रेड स्टोन का सिग्नल आगे जा रहा है। ओके अब मेरे को एक रेड स्टोन की डस्ट चाहिए जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जिससे हमारा जो सिग्नल है ना पूरा का पूरा यहाँ से आगे पहुंचेगा इस तक, और एक खिसका देगा इसको। लेट्स गो, आसपास अच्छे तरीके से चेक करता हूँ, कोई ना कोई सीक्रेट लोकेशन पे चेस्ट चूस दिख सकती है मेरे को। इसके ऊपर होके जाएंगे, यस देखो वहां पर भी है, दिस इज नाइस, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा भाई। पहुंच जा, यस पहुंच गया। कैन बी प्लेस ऑन रेड ग्लेज टेराकोटा, दिस मीन्स इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको दबाएंगे वो दबेगा, एंड वहां से ब्लॉक हट चुका है, इसको खोलेंगे हम लोग ऐसे करके। कैन बी प्लेस ऑन येलो कॉन्क्रीट, नाइस। अब बस ये ऑरेंज वाली चाहिए मेरे को दो, और एक यहाँ के लिए चाहिए हमारा काम। हेलो अरे वहां पर भी है, अरे वाह बेचे, रेड कॉन्क्रीट पाउडर पे लगेगा जो कि ये है, एंड यहाँ पर ये वाली खुली है, कैन बी प्लेस ऑन रेड टेराकोटा। भाई मैंने लगाया रेड टेराकोटा पे यार, अब ये कौन से रेड टेराकोटा की बात हो रही है, आई हैव नो आइडिया। अरे वहां पर ऊपर, ओ माय गॉड एक और चेस्ट खुली है, कैन बी प्लेस ऑन ऑरेंज टेराकोटा, दिस इज डन, इसको करेंगे यहाँ पर खुल जाएगा। ओके ये बहुत फास्ट करना पड़ेगा वहां, अरे वहां पर बटन है, इसको किया बटन दबाया, क्या हुआ, अरे यस हमारी एंट्रेंस खुल चुकी है, हमारा टेंपल यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। ऊपर चल बड़े आराम से भाई ना, प्रेशर प्लेट को मैं बाद में करूंगा, बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डेजर्ट टेम्पल की, पहला हमारे यहाँ पे डेजर्ट जो फायर टेम्पल है वो कंप्लीट होता हुआ, दिस इज नाइस। एक बार अरे परे चेक कर लेते हैं, कोई चीज मिसिंग होगी क्या, पता नहीं है, फिलहाल को मिसिंग नहीं है, पहला वाला हमारा बहुत आसानी के साथ हो चुका है। एंड चेक दिस आउट गाइस, हमारे हीरो की जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे अपग्रेड हो चुकी है, और वो बंदा कहाँ गया, वो बंदा भी यहाँ पर आ गया था अभी है ना, मेरे साथ साथ वो भी आ गया था गलती से। चेक दिस आउट गाइस, हीरो स्वॉर्ड लेवल 1 पे आ चुकी है, लेट्स गो भाई साहब। एंड फाइनली मेरे को यहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल मिल चुका है, चेक दिस आउट, पूरा का पूरा अपग्रेडेड है ब्रो ये। अरे वो क्या पीछे, ओके भाई साहब एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है भाई वो, तो मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चल वहां बाद में जाऊंगा, पहले एक बार यहाँ चलते हैं हमारे डेजर्ट टेम्पल के अंदर। ओके डेजर्ट टेम्पल, यस देखो यहाँ से अंदर हम लोग जा नहीं सकते, बिकॉज हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको यहाँ पे लगाते ही यस डेजर्ट टेम्पल के लेवल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे बड़े प्यार से चलते हैं। ओके वहां पर देखो गाइस, वो देख रहे हो वहां पर प्रेशर प्लेट्स पड़ी हुई है, इससे पहले भी प्रेशर प्लेट हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थी, सो आई गेस हम लोगों को इसको खोलना है यहाँ पे, इस आयरन की बार को, एंड देन यहाँ से अंदर जाना है हमको। ओके यहाँ से आगे रास्ता है, और यहाँ से इधर के लिए रास्ता है। ओ माय गॉड, नो 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 नो, नीचे देखो, जैसे यहाँ से नीचे करूंगा ना मेरा खेल खत्म हो जाएगा लिटरली स्पीकिंग, आराम से। ओके यहाँ से मैं डायरेक्ट आगे छलांग मार सकता हूँ, बट बहुत फॉल डैमेज पड़ेगा, ऐसे करते हैं साइड से चिपक के चलते हैं, हनी ब्लॉक। ओके यस नीचे आराम से, दिस इज नाइस। यहाँ से आएंगे आगे के लिए, यहाँ जाएंगे ऊपर, प्यार से मैं कैसे चिपका हुआ यहाँ पे भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। आराम से ऊपर क्राउच दबा के रख, नाइस दिस इज नाइस। ओ माय गॉड पागल एक नंबर का, इधर होकर स्लाइड करके आना था मुझे एक्चुअली, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है, आयरन के पिकैक्स है, कैन ब्रेक रेड सैंड स्टोन, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, लेकिन हेलो ब्रो मैं फंस चुका हूँ, और यहाँ से नीचे आने का एंट्रेंस है ना, ऐसा करते हैं नीचे चलते बारी, प्यार से यहाँ जाएंगे आगे के लिए, आराम से सर जी, यहाँ से इधर जाएंगे बिना किसी फॉल डैमेज के, यहाँ से इधर, लेट्स गो, एकदम सही जा रहा भाई स्मार्टी भाई, भाई बिना किसी फॉल डैमेज के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ जाएंगे इधर के लिए। ओ ऑलमोस्ट गिरने वाला था भाई, मेरा खेल खत्म हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इससे पहले मेरे को होगा लाला के राज के ऊपर से पर्दा उठे, उससे पहले मैं यहाँ पे डार्क हेमलैंड पहुंच जाऊं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं यार, गो बैक। अरे वाह थैंक गॉड, ओके मतलब वो बाहर जाने का रास्ता था, थैंक गॉड, देखो मैं वहीं पे आ चुका हूँ हमारी फ्रंट एंट्रेंस पे, यहाँ का काम खत्म हो चुका है,
यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे ऊपर के लिए जरा फटा भाई। गाइस मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी है जल्दी जल्दी करते हैं इससे पहले कि यहाँ पर वो आ जाए। ओके वहाँ लास्ट में बटन दिया हुआ है, स्पॉनर है ब्रो यहाँ पे। फटाफट दबा फटाफट दबा। क्या होता है इससे, क्या हुआ ये, क्या हुआ? अच्छा अरे भाई 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 हमारी वो खुल चुके, एंट्रेंस खुल चुके हमारी, लेट्स गो। हमारा ये डेजर्ट टेम्पल भी कंप्लीट हुआ, बहुत सारा सिंपल था, सिर्फ एक पार्कोर था जो थोड़ा सा टफ था है ना, जिसमें थोड़ा सा डर लगा, बाकी कुछ नहीं था। अब देखते हैं हमारी हीरो स्वॉर्ड यहाँ पर फिर से होती है अपग्रेड की नहीं होती है। ओके इस प्रेशर प्लेट के ऊपर कदम रखते ही डेजर्ट टेम्पल कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर लिखा था हीरो स्वॉर्ड हैज अपग्रेडेड लेवल नंबर 2 की आ चुकी है, दिस इज नाइस। ओके और ये जो हीरो स्वॉर्ड है मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, उस बंदे को देनी है हमको, वो बंदा व्हाट द हेक खुलेगा ये क्या है डेजर्ट, और कलेक्ट 3 ऑफ देम एंड गिव देम टू द विजार्ड ऑफ मर्जी को, इसको लेकर रखते अपने पास, कुछ ना कुछ तो होगा इससे। ओके एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड रुको, ये क्या है प्रूफ वहां पे होगा लिखा हुआ है यार, ये होगा लाल ने अपना नाम यहाँ पे छापा हुआ है, होगा वो आ सकता है इस जगह पे, वो आ सकता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, वो आ सकता है यहाँ पे। अरे भाई मैं एक नंबर का पागल हूँ गाइस, मेरे को अभी अभी जस्ट याद आया, अंदर चलो यहाँ से। अरे हमको ये भी तो मिला था यहाँ पे यार, जिसे हम लोग रेड सैंडस्टोन खोद सकते, जो कि ये है, खोद इसको ये टूट जाएगा। यहाँ से आगे भी तो है कुछ ना कुछ, ये भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे को। ओके ये वाला रूम बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पे एंड क्रिस्टल बना हुआ है एंड वहां पर एक चेस्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कैन ब्रेक एंड स्टोन, एंड स्टोन तोड़ सकता है, एंड स्टोन वहां पर बने हुए दो हमारे, लेट्स गो तोड़ इसको फटाफट। एक ये टूटेगा, इसके अंदर क्या है, वन हिट स्वॉर्ड है इसके अंदर, वन हिट स्वॉर्ड। अब ये वन हिट स्वॉर्ड किसके काम आएगी, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे एक और रेनबो और मिला मेरे को भाई, इनका क्या काम है आई हैव नो आइडिया। इनको अपने इन्वेंटरी पे निकाल के रखते हैं, कुछ भी हो सकता है। गाइस चेक दिस आउट, इस वाले के ऊपर एक वो लगी हुई है आई एफ एंडर जिसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, एंड इस वाले के ऊपर आई एफ एंडर नहीं लगी हुई है। इसको तोड़ के कुछ होगा कैसे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये तो छड्डो यार, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे तुम लोग, ये बहुत सारा वियर्ड है, मेरे को ना उस बंदे से पूछना पड़ेगा कि भाई इसका क्या राज है, यहाँ पे एंड क्रिस्टल्स क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे भाई, डरा रहे हैं यार। इसके अलावा और तो मेरे को नहीं लगता इस डेजर्ट टेंपल के अंदर कोई और काम है, चलते मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास एक बारी पता करने के लिए, उसको मैं बताता हूँ एक बार जरा कि ब्रो इतनी प्रोग्रेस मैंने कर दी है। ओके मैं ब्रदर मैं पहुंच चुका हूँ भाई, ब्रो मैं अब इस बंदे से बात करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ अपने इसके बारे में, और मैं उस डेजर्ट टेंपल का पूछना चाहता कि भाई वहां पर वो कर क्या रहे थे, वो छोटे छोटे वो एंड क्रिस्टल्स के पार्ट्स क्या है, मतलब इसका राज है, पूछता इस बंदे से एक बारी। ओ माय गॉड गाइस तुम लोगों को बताया इस बंदे ने मेरे को क्या बताया अभी यहाँ पे, प्रो ये मेरे को डरा रहा है बंदा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा ना भाई हैरान नहीं हो गया कि हम लोगों ने लिटरली लेवल 2 तक हीरो शॉट पे लेके जा चुके हैं। इसने मुझे पता क्या बताया कि हमसे पहले स्मार्टी पाई से पहले भी यहाँ पर और बंदे आ चुके हैं, बहुत बंदे जिन्होंने पूरी पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट लेवल 2 तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। और इसके अलावा इसने मुझे बताया कि वो जो डेजर्ट टेंपल का राज है ना जहाँ पर वो एंड क्रिस्टल्स है, इसने मेरे को बताया कि अगर हम लोग एंड में जाना चाहते हैं अपने हिमलैंड्स के एंड में, तो हम लोग नहीं जा सकते बिकॉज उसके दो क्रिस्टल के पार्ट होगा लाल ने तोड़े हुए हैं, जो एंड क्रिस्टल होते हैं जहां से हम लोग एंड पोर्टल को खोलते हैं एंड ड्रैगन को मारने के लिए, उसके दो पार्ट हम लोग को हमेशा मिसिंग मिलेंगे हर जगह से। वाई बिकॉज वो उसने निकाल के इस डेजर्ट टेंपल के अंदर रखे हुए हैं। अगर हम लोग होगा लाल को नहीं मारते तो एंड ड्रैगन तक पहुंचना इज इम्पॉसिबल। एंड इस बंदे ने मुझे एक और बात बताई है कि वो जो एंड है ना वहां पर कुछ लोग कैप्चर्ड है, एंड गाइस याद होगा तुम लोगों को लास्ट एपिसोड में हम लोगों को वो बुक मिली थी उसके अंदर भी वही लिखा हुआ था, एंड के अंदर के लोगों को जब हम लोग बचाएंगे तो हम लोग उस डेजर्ट टेंपल के अंदर जो हमारे दूसरी जगह पे डेजर्ट टेंपल है ना वहां से अंदर भी एक रास्ता जाता है, उसको हम लोग तभी वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। भाई इस होगा लाल को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, अगर हम लोग को उन बंदों को बचाना है एंड इस पूरे का पूरे वर्ल्ड को टेरर फ्री करना है तो। ओ गाइस ये वाला जो हमारा महल था ना हमारे कमांडर भैया का महल, उसके बैक साइड पे एक बटन मिला है मेरे को, आई हैव नो आइडिया के बटन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको दबाते जरा क्या होता है, इलाइट्रा फ्लाई 3 क्या मतलब इसका, हेलो अरे मैं मर जाऊंगा मैं वायरल कार पर भाई फेदर फॉलिंग 4 नहीं है, आगे चल। ओ भाई ब्रो मैं अभी यहाँ पे मरने वाला था, नहीं 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 ये क्या मजाक है भाई, इस बटन को नहीं दबाऊंगा मैं भाई, तू भाड़ में जा बटन। अरे भाई साहब अरे मेरे को लग गया पता गाइस, इस बटन की हेल्प से हम लोग ऊपर जा सकते हैं उस चेस्ट को खोलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से वहां तक कैसे जाऊंगा, फॉल डैमेज से मर जाऊंगा भाई, फेदर फॉलिंग नहीं लगा है मेरे पास, इसके लिए तो मेरे को फेदर फॉलिंग 20 चाहिए कम से कम भाई। ये भाई बहुत ही वियर्ड था, बच गया मैं मरने से, मेरे डार्क हिमलैंड के चक्कर लगने वाले थे भाई साहब सीरियसली। मैंने अभी अभी एक और चीज यहाँ पे नोटिस करी, उस मैप को देखने के लिए गया था गाइस मैं, एंड चेक दिस आउट,
यहाँ आप लोगों को क्या मिला है ये, और इसके पास देखो यहाँ पे नीचे क्या है, एक चेस्ट रखी हुई, आयरन की शवल है, कैन ब्रेक सोल सैंड। ओके, अब सोल सैंड का मतलब समझो तुम लोग, यहाँ देखो मुख सामने सोल सैंड है, इसको तोड़ते हैं, इसके अंदर क्या है, डार्क एक्स। ओ माय गॉड, डार्क एक्स भाई। अब इस एक्स से मैं एक्चुअली उसको मार सकता होगा लालू का, अगर यहाँ पे आएगा तो। ओ यस, अब मजा आएगा मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, डार्क एक्स भाई, है ना। एंड अरे भाई साहब यहाँ देखो, इससे हम लोग सोल सैंड तोड़ सकते हैं। सोल सैंड मुझे यहाँ अंदर दिखे थे इससे पहले, जहां पर वो बंदा उस ग्रेवयार्ड के पास कुछ कर रहा है। देखो बाकी मैं कुछ भी तोड़ नहीं सकता यहाँ पे, देखो तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मैं इसको तोड़ सकता हूँ भैया, सॉरी बट आपके। ओके, इसके नीचे तो भाई इसी का एक रिश्तेदार दफन था, सॉरी मैन, आस पास के तोड़ने पड़ेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक स्केलेटन का स्कल है, बाकी बोन्स पड़ी है भाई, कुछ तो होगा कहीं ना कहीं। ओ यहाँ पे है, कैन बी प्लेस्ड ऑन लाइट ग्रे कॉन्क्रीट पाउडर। लाइट ग्रे कॉन्क्रीट पाउडर मैंने शायद से देखा था बीच विलेज के अंदर। मेरे को जल्द से जल्द करना है गाइस मिस्ट्री सॉल्व। मुझे अभी भी कमांडर भैया ने बताया मेरे को कि भाई यहाँ पे अगर हो रहा है एकदम से आ गया ना, वो हर 2-4 घंटे में आ ही जाता है यहाँ पे इस बंदे से पूछताछ करने के लिए कुछ ना कुछ। कहाँ पर था वो ये वाला था, देखो यहाँ पे, देखो मैं बाकी कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। इसको दबाएंगे, अंदर जाएंगे, अरे भाई मुंह पर दरवाजा बंद हो रहा है, इसको करते क्या होगा। हेलो भाई, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से बाहर चले एक बारी। हेलो, हुआ क्या इससे, हैं इतनी मेहनत करी भाई मैंने, क्या मजाक है। ओए रुको, ये नीचे मुझे क्यों बुला रहा है भाई, कमांडर साहब मुझे बुला रहे हैं अपने पास। हेलो, मैं जाता हूँ जरा एक बारी, देखते हैं भाई बंदा क्या बोलता है। हेलो कमांडर साहब, अच्छा वो जो दरवाजा था, आई मीन वो जो बटन था, उसने इसको खोल दिया, इस चेस्ट को खोल दिया। इसके अंदर क्या है, लेट्स सी, किंग्स क्राउन, किंग्स ट्यूनिक। अच्छा ये हमारा वो वाला आर्मर है, किंग वाला आर्मर। अरे भाई साहब ये हुई ना बात, और किंग की बो है, और यहाँ पर किंग के एरो है, एंड किंग के स्वॉर्ड पड़े हुए यहाँ पे। मैं इसको दे देता हूँ ना भाई, ये तो चाहिए था, ये तो हमको चाहिए था। और अगर मैंने इस बंदे से बात करी अभी कमांडर से, और ये बंदा मेरे को पता क्या बोल रहा है, कि जो हमारा किंग का वो है ना, उसकी इसको जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत हमारे किंग को है, ऊपर है जो बंदा वहाँ पे हेवन में, ठीक है। तो ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि मेरे को ये वापस देने वाला है उसको, देखो वापस दे रहा है जितना भी सामान मैंने इसको अभी भी दिया था। एंड ये सारा का सारा जो सामान है ना, ये मेरे को यहाँ पर किंग को पकड़ाना है ऊपर जाके। तो कोई बात नहीं भाई, ये जितना भी सामान है सारा का सारा मैं किंग को दे दूंगा, एंड अब मैं इस बंदे के लिए वो लेकर आता हूँ इसका आर्मर। और इस बंदे ने गाइस मुझे एक और बात बताई है कि ये ना, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर जाना है हमको कुछ भी करके, एंड यहाँ पर आसपास, यस, इससे मेरे को बोला कि जो ये है ना कैक्टस का एक बहुत अजीब सा एक सिस्टम है, एंड इस सिस्टम को पार करके हमको कुछ मिलने वाला है। एंड भाई साहब मैं इसको पार नहीं कर पा रहा, अच्छा रुको, बिकॉज़ इसको पहनना पड़ेगा, ऐसा करते उसको पैन करते। ब्रो हमारे किंग का आर्मर देखो यहाँ पे, प्रोटेक्शन 5 तक के भाई सब लगे हुए, ये देखो लास्ट वाला। तो बेसिकली अगर मैंने कहा इसे किंग तक पहुंचा दे तो वो ऊपर से नीचे आ सकता है, एंड होगा लाला, एंड हुला लाला को मारने की जो भी हमारी वो है ना, वो हमको बता सकता है तरीका है जो। ऑलमोस्ट पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया, लेट्स गो भाई, मेरी ऑलमोस्ट हेल्थ जाने वाली थी। यहाँ पर कुछ शेयर दी हुई है, ओ गाइस स्लो फॉलिंग के पोशंस दिए हुए यहाँ पे। अरे मैं समझ गया हूँ भाई हमें क्या करना है, एग्जैक्टली मैं समझ चुका। ऐसा करते हैं पहले जितना भी फालतू का सामान है सारा का सारा ऊपर फेंको भाई पहले तो, एंड अब ये आर्मर बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज किंग का आर्मर मैं पहनने से थोड़ा भी डैमेज आ गया ना इस पे तो दिक्कत हो जाएगी। इसने मेरे को बताया किंग के आर्मर को मत पहनियो बिल्कुल भी नहीं। ये स्लो फॉलिंग के पोशन के साथ हम लोग गाइस अभी यहाँ पर क्या करने वाले, देखो तुम लोग यहाँ पे अभी चेक दिस आउट। मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मारने वाला हूँ ओशन को, एंड इसको यहाँ पे दबाएंगे, शायद से मैं आगे जा सकता हूँ इसका इसकी हेल्प से। प्लीज 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 प्लीज, देखो ऊपर गए ना, ऊपर गए ना, आगे के लिए चल, आगे के लिए चल, स्लो फॉलिंग का पोशन आगे के लिए चल। ओ माय गॉड फाइनली गाइस हम लोग वहां पे जा चुके हैं। इस पेड़ का राज मैं अब यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आराम से पहुंचेंगे नीचे, दिस इज नाइस, एंड यहाँ पर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर इलाइट्रा पुशअप। अब यहाँ से बस एक रास्ता ढूंढना है मेरे को इस पेड़ के अंदर जाने के लिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आई गेस गाइस मेरे को वो रास्ता मिल चुका है शायद से, इधर होके चल आराम से, इधर होके लेट्स गो। देखो यहाँ से रास्ता आगे के लिए, यहाँ से रास्ता आगे के लिए, अरे रुको कितना बचा है, 1 मिनट समथिंग बचा है भाई, बड़े प्यार से जाऊंगा नीचे को टेंशन। अरे अरे वहां पे एक चेस्ट थी यार, वो चेस्ट आ गई मेरे, इससे क्या होगा, दरवाजा खुलेगा, हाँ ये तो बाहर जाने का रास्ता। अरे भाई वाह, बस बाहर बंद नहीं होना है, लेट्स गो। अब यहाँ चलते नीचे, अरे रुक जा भाई रुक जा, नीचे इतना अंधेरा दिख रहा है, एक बार स्लो फॉलिंग जाने दो मेरा यार, लेट्स गो। जा चुका है अभी, ओके ओ माय गॉड, वहां से आगे जाना है मेरे को। वो तो पार्कोर है भाई, वो तो मुझे क्लियर दिख गया कि वो पार्कोर का है, एंड वो वाली वुड वहां पे थोड़ी सी अलग सी है। अब यहाँ से अंदर क्या होगा, आई गेस ये वाला पजल सॉल्व करना जरूरी है। ये बेबी देखो वहां से अंदर कुछ तो है,
एंड यहाँ से अंदर कुछ भी नहीं है एंड वहां पर साइड में कोई वो दिख चुका है। हमारी हीरो की जो सॉर्ड है ना गाइस वो अब यहाँ पे अपग्रेड होने वाली है। मेरे को इतना लग गया, पता इसको खोलते क्या होगा, कुछ हुआ? अरे वाह बेचे वाह बेचे वाह बेचे, खुल गया, लेट्स गो। इस पर लिखा कैन यू प्लेस ऑन डार्क ओक, लेट्स गो माय ब्रदर्स। इसको करेंगे जैसे ही ऑन करेंगे ये खुल जाएगा हमारा। खुला सर? ब्रो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, नीचे देखो। अरे मर जाऊंगा मैं लिटरली मर जाऊंगा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। ओके गाइस वन शॉट है मेरे पास सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा है ना, मरना नहीं है बस। यहाँ से जाएंगे, नहीं रुको 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 अभी नहीं जाऊंगा। अरे वो नीचे देखो वहां पे वो भी घूम रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसने मेरे को देखा ना मेरी लग जाने वाली है। मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही है गाइस, मैं अभी और इस वक्त यहाँ पे नीचे करके मर सकता हूँ यार। मैं डार्क हेमलैंड पहुंच जाऊंगा, टाइमिंग रखनी पड़ेगी बस मेरे को जंप्स की, है ना। पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, चौथी जंप एंड यस लेट्स गो भाई, पार हो गया। ओ माय गॉड, और इनके गेड़े में नहीं फंसना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये वैक्सेस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इनके गेड़े में कुछ भी जाए फंसना नहीं है। इसने मुझे देखा भी नहीं ब्रो वैक्स ने अभी तक। अरे भाई साहब जाए यहाँ से, चल निकल निकल पकौड़े। यहाँ से जाऊंगा मैं, यूं करके जाएंगे ऊपर, यहाँ जाएंगे ऊपर आगे के लिए, यहाँ जाएंगे नीचे। आ देख लिया, नहीं प्लीज 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 यस, अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, आजा 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 आजा। इन वैक्सीन के हाथ में वो होती है पता है आपको, एक्स होती है इनके पास। पकौड़े इधर आ इधर आ, दीवार के अंदर कहाँ जा रही है ये, मेरे को यहाँ पे डार्क ब्लड भेज के रहेगी आज। पहुंच गया, चल ले आगे, चल आगे चल आगे। अरे भाई वापस नहीं आनी चाहिए भाई, एक्सिस वैक्सीन जो भी है, लेट्स गो। आगे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर, यहाँ से आगे जाएंगे एंड ओ वहां पर देखो एक एक एक, एक, एक लकड़ी दिखी मेरे को। ब्रो इन वैक्सीन ने जो डराया ना मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, इतना मैं आज तक नहीं डरा भाई। यहाँ पर डेड एंड है, यहाँ पे कुछ बटन तो लगने वाला है, ये गारंटी है मेरी, है ना। वापस चलते हैं। अरे यहाँ पे चेस्ट है ना, ओ यस यस लेट्स गो, ये वाला बटन वहाँ पे लगने वाला है। ब्रो जितना जल्दी कर सकते हैं, वैक्सीन वापस आ गई ना तो मेरी बैंड बजने वाली है। क्या हुआ इसको दबा के? हेलो आई हैव नो आइडिया इसको दबा के क्या हुआ, पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरे ये वाला दरवाजा खुल गया एंड यहाँ पे देखो गाइस, इसके ऊपर कदम रखते ही यू आर नाउ रेडी टू गेट योर हीरो सूट, इट्स इन हीरोज चर्च। अब हमको जाना है हीरो चर्च के अंदर, अब हम लोग गाइस वहां से वो सूट निकाल सकते हैं। अरे वाह, मतलब जो सूट हमको इस कमांडर को देना है अब वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। पर भाई ये चर्च होगा कहाँ पे, आई हैव नो आइडिया गाइस। मैं ऐसा करता हूँ ना, इस विलेज का उस बंदे से पूछ के चलता हूँ ना, कमांडर से। ओ माय गॉड वहाँ पे हो गया ढूंढने लगे। अरे गया मेरे कमांडर, इस कमांडर से मैंने पूछना था अभी कि भाई साहब वो कहाँ पर मिलेगा। अरे भाई सीन हो गई, तो मैंने कमांडर से पूछना था कि चर्च कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर मेरे को हीरो वाला वो मिलने वाला। ओ माय गॉड भाई, अगर इसको इन्होंने मार दे तो क्या करेंगे, मतलब मारेंगे तो नहीं मेरे हिसाब से, हमेशा से यहाँ पर जाया जा रहे हैं ना इसको तंग करने के लिए। अरे भाई क्या किस्मत, अगर मैं थोड़ा आगे होता ना ये मुझे ऑन द स्पॉट देख लेते हैं, अभी तो मैं पक्का ही मरता, बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं है आर्मर। तब तो मैंने ये किंग का आर्मर पहन देना था, और अगर किंग के आर्मर में गाइस थोड़ा भी ड्यूरेबिलिटी कम हुई ना तो तुम लोगों को पता है मेरी वाट लग जाने वाली है, बिकॉज ये किंग का वो है, मेरे को नहीं यहीं पर छुपे रहना पड़ेगा। ऐसा करते इस बड़े मायावी पेड़ के पीछे छुपा रहता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ तो मेरे को देख नहीं पाएगा, नहीं यहाँ पर छुपा रहूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा कि बाहर कब आ रहा है। ओके 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 ओके, मैं यहीं पर छुपा रहता हूँ और यहाँ पर बस मैं यूं देखे रहता हूँ, कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अरे चला गया, नाइस। दूसरा वाला कहाँ गया, मेरे को दूसरा वाला चला गया क्या, मेरी इतनी रेंज है। अरे भाई भाई ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, थैंक गॉड मैं आगे नहीं गया। ब्रो इन लोगों ने टाइम लगाया अभी जाने के लिए आगे, मैं बच गया। ओ माय गॉड ओके, इनको जान देते एक बारी, देन मैं कमांडर के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भाई ये चर्च कहां पर है जहां पर मुझे मिल सकता है। आई हैव नो आइडिया ये चर्च कहां पर है, मैं कहां ढूंढता रहूंगा भाई। अब एक बार इस विलेज से चले गए ना दोनों तो मेरे पास यहाँ पे टाइम तब भी होगा। ये बंदा हाँ अभी तक वहीं खड़ा है, जिंदा है भाई ये। ब्रो मुझे एक्चुअली लगा कमांडर साहब कि आपको ना उन्होंने ठोक दिया होना अभी तक यार, बट बच गए आप, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीरियसली। एंड अब मैं इससे पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने भाई साहब से भी पूछा और इसने मेरे को पता क्या बताया, वो जो चर्च है ना वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, और एक वो देखो वहाँ पे वो बिल्डिंग दिख रही है वो चर्च है, उसके अंदर मिलने वाला है। एंड ब्रो ये बंदा हैरान है, ये बंदा हैरान होगा कि हम लोगों ने इस पेड़ के पजल को सॉल्व कर दिया, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही, ये बोलता इसके अंदर जो वो पार्कौर वो इम्पॉसिबल है, तूने पार कैसे किया। पर इसको क्या पता बेचारे को कि भाई हम लोग यहाँ पे पार्कौर वॉरियर्स है ब्रो, एंड हमारे जो हीरो स्वॉर्ड है ना जो लेवल 4 की बन चुकी है, और ये बंदा हैरान है। और अब ये बंदा बोल रहा है कि उस आर्मर को लेकर फटाफट आ जा, मैं तेरे को
ऊपर हेवन तक जाने का रास्ता बताता हूँ, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट बता देगा मेरे को, मैं फटाफट जा रहा हूँ भाई। पर भाई मैं एक भी बार अभी तक इस चर्च के अंदर गया नहीं था, मेरे को लगा पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है भाई, इसका कोई काम है कि नहीं है भाई, कुछ पता ही नहीं है। बट इसका काम था, इसके अंदर है हमारा वो, और वो कमांडर भी हैरान हो गया कि पूरा हमारे चर्च के अंदर हमारा वो रखा हुआ है। यस, इसकी एंट्रेंस खुली हुई है, दिस इज परफेक्ट माय ब्रदर्स। एक सेकंड रुको, ट्रैप भी हो सकते हैं। अरे यहाँ साइड से रास्ता था जाने का, अच्छा यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते, मैं वही सोच रहा हूँ भाई इतना आसानी के साथ कैसे। एंड गाइस ये एक ट्रैप्ड चेस्ट है, तुम लोग देखो इसके आसपास वो बना हुआ है ना लाल सा कुछ, ये ट्रैप्ड चेस्ट है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ऊपर से कुछ गिरा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। ओके गाइस हीरोस, ओ माय गॉड भाई एन्चेंटमेंट्स देख रहे हो इस पे तुम लोग, हीरो ट्यूनिक, हीरो पैंट्स, थॉर्न्स 5 प्रो, जो बंदा इसको पहनेगा ना भाई उसके बल्ले बल्ले है। ओ माय गॉड, इसीलिए तो भाई उस बंदे को ये चाहिए था। देखो ना भाई सब कितने ज्यादा खतरनाक एन्चेंटमेंट्स है ब्रो, भाई ये बंदा मरना इज लाइक इम्पॉसिबल है। मेरे को वहां पे दिखा, मेरे को फिर से ये वापस क्यों आ रहे हैं, आई स्वेयर अभी नहीं दिख रहे मेरे को, पर मेरे को दिखे थे इससे पहले, ये मुझे पक्का दिखा था, 100% बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को। ओके अब मुझे ये नहीं पता चला कि वो दिखा कि मुझे कुछ और दिखा कि परछाई दिखी किसी की, पर मेरे को वहां से कोई ना कोई आते हुए दिखा था यार, अभी होगा लाला हुला लाला थे या तो फिर कुछ और था ब्रो, आई हैव नो आईडिया भाई, मैं तो जाऊंगा छुप छुपा के, अब अगर इन्होंने मेरे को देख लिया तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फटाफट जाता हूँ अपने बंदे के पास एंड मैं उसको पकड़ा देता हूँ। आई हैव नो आईडिया के लोग वापस आ चुके हैं कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। ओके जल्दी जल्दी चलते हैं और इसको ये पकड़ाते हैं भाई, और अभी नो आईडिया मैंने होगा हुला कहाँ पर है, फटाफट चलते अंदर। हाँ जी कमांडर साहब पहुंच गया मैं, हेलो इधर ही है ना, हाँ इधर ही है भाई, जिंदा है ना तू यार, अब देखो बंदा खजल हो जाने वाला है। ये तेरी कैप है, ये तेरे बूट है, ये तेरे ट्यूनिक है और ये तेरी पैंट्स है, पहन इनको भाई तू अब, और ये है इसका लेवल 4 का हीरो वाली स्वॉर्ड। ओके गाइस इस बंदे मेरे को एक बात बताई है, ये मेरे को बोल रहा है कि जो डार्क एक्सेस को वापस चाहिए भाई, अब डार्क एक्सेस को इसलिए चाहिए क्योंकि ये बंदा यहाँ पे क्या करना चाहता है, जो अपना वो है ना होगलाला, ये होगलाला को डार्क एक्स से मारना चाहता है, बिकॉज इस बंदे को ये पता है होगलाला ना सिर्फ नेदरराइट की एक्स से डरता है। ओ भाई साहब बचा मेरे को, मेरे को बचा दे, अरे भाई मेरे को बचा दे, क्या करे कमांडर मार इसको। ओ माय गॉड ब्रो इस बंदे ने मेरे 8 हार्ट खाए हैं, कमांडर साहब इसने मेरे 8 हर्ट्स खाए, बाहर से देख रहा है बंदा, कमांडर साहब जब तक आप मेरे साथ रहोगे ना। ओ माय गॉड ये बंदा अरे भी नहीं आ पा रहा होगलाला, और इसका भाई हुलालाला कहां पे है। गाइस मेरे 8 हर्ट गए अभी अभी, मैं इतना कमजोर हूँ इस वक्त लिटरली स्पीकिंग, मेरे को इसको उतार के ना ये किंग वाला पहनना पड़ेगा, मेरे डार्क हेमलैंड के चक्कर लगने वाले भाई, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। ओके चला गया हुला लाला, आई मीन होगा लाला, यस। ओके भाई मेरे को जल्दी पकड़ाओ, आप जो भी पकड़ा रहे हो मेरे को रास्ता बताओ कि वो रास्ता कहाँ पर है। और गाइस तो मेरे को अभी कमांडर साहब ने पता क्या बोला ना, यहीं पर पास में पानी के पास वो है क्या बोलते हैं एक ऐसा कुछ टेम्पल टाइप है व्हाइट कलर का, वहां पर मेरे को प्रेशर प्लेट लगानी है दो जरा भाई, है ना, और जो ये प्रेशर प्लेट है इस प्रेशर प्लेट को वहां पे लगाते हैं हम लोग हेवन पहुंच जाएंगे भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर। अरे कहाँ पर है भाई, लेकिन यार ये जगह है ना, एंड मैंने कैसे यहाँ पे ना अपना आयरन का आर्मर पहन लिया है, इसको मैंने उतार दिया बिकॉज मैं चाहता नहीं कि इसमें यहाँ पर खरोच आ जाए एंड देन इन द एंड कुछ डील में सीन पड़ जाए। अरे वहां पे दिख गया मेरे को, लेट्स गो, ओ लो ला ला के भागो, आजा पकड़े आजा बेटे, अभी छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। अरे मैं भूल गया मैं यहाँ पे नेदरराइट में नहीं हूँ, मेरे पास नेदरराइट का कुछ भी नहीं है, मेरे पास नेदरराइट का कुछ नहीं है। अरे पकड़े, टच करके दिखा तू, निकल 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 निकल, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, यस मैं चला गया ऊपर के लिए। ओह एपिक 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 एपिक, मैं कहां पर आ चुका हूं, अच्छा मैं उस हेवन वाली जगह पे आ चुका हूं ब्रो, क्या ही बचा हूं यार सीरियसली, मैं 2 हार्ट में बच गया लिटरली। और मुझे उस कमांडर ने पता क्या बताया कि होगा ढूंढला इतना टॉप में आ नहीं सकते, इसलिए जो हमारा वो बंदा है ना जो किंग है वो यहां पर छुपा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सकता, किंग के लिए मैं भी एक क्राउन लेके आ चुका हूं उसका, तो अब क्या हो जाएगा वो मेरे को इनको मारने का पूरा राज बता देगा। लेट्स गो, अब मेरे को इस पार्कोर को बड़ी प्यार से कंप्लीट करना भाई, नीचे नहीं गिरना बस। अब गाइस अपने किंग तक अगर मेरे को पहुंचना है तो आसानी के साथ तो पहुंचेगा नहीं ना, डिफिकल्टी तो होगी ना यहाँ से बस आराम से। अरे भाई मैं क्यों ही फालतू यहाँ पे टार्जन बन रहा हूँ यार, घुस जाऊंगा, ऐसा करते हैं जब टार्जन है तो बनेंगे ना, फास्ट करेंगे गाइस हम लोग इस पार्कोर को कम्प्लीट। लेट्स गो, यहाँ से आगे यहाँ से आगे यहाँ से आगे ऊपर, ओके यहाँ जाएंगे ऊपर एंड यहाँ जाएंगे ऊपर यहाँ जाएंगे ऊपर यहाँ जाएंगे आगे, अब यहाँ से कहाँ जाना है। ओ लेट्स गो, ओ माय गॉड, प्यार से एंड यहाँ से आगे प्यार से, लेट्स गो अब यहाँ पे खाना खा लेते हैं। अरे पर जाना कहाँ हमको यहाँ पे, हेलो ओ वहाँ पे देखो हमारा किंग है ऊपर, हेलो किंग भाई, बंदा हिल नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं भाई, फाइनली भाई साहब मैं पहुंच गया यार इसके पास। एंड गाइस इस बंदे के पास सारी की सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेट्स गो, एंड हम लोग यहाँ से पहुंचने वाले हमारे किंग भाई साहब के पास।
लेट्स गो किंग साहब, कैसे हो मेरे भाई? ब्रो इतनी ज्यादा खुशी हो रही है इस बंदे के पास पहुंच के यार भाई, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। लो सबसे पहले आप ऐसा करो, मैं इसको गाइस इसका ही दे देता हूँ, इसको पहन लो सर जी आप। ये है आपकी किंग की स्वॉर्ड है, किंग की बो है, एंड ये था आपके लिए। एंड गलती से आप नीचे ना गिरे उसके लिए मैं स्लो फॉलिंग के पोशन आपको दे के रखता हूँ, एंड खुद भी स्लो फॉलिंग का पोशन मार के रखता हूँ। और गाइस तो अभी मैं इस बंदे से यहाँ पर पूछने वाला हूँ किंग से कि ब्रो एग्जैक्टली क्या सीन, हम लोग कैसे मार सकते हैं इन लोगों को। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो किंग ने मुझे पता क्या बताया यहाँ पे ना, कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें बताई इसने मेरे को भाई यहाँ पे। इसने मेरे को बताया कि जो हुला लाला है ना, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आजाद कराया, वो बंदा बहुत ही ज्यादा मायावी बंदा है। उसके पास एक ऐसी पावर है ना, जिससे वो प्रेजेंट में भी देख सकता है, प्रेजेंट तो देख ही रहे, फ्यूचर में देख सकता है, मतलब एक छोटी सी झलक देख सकता है वो। अब तुम लोग याद करो इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ था, जब मैं वहां से नीचे उस जेल के अंदर देख रहा था, वो लोग वापस क्यों आए, वो इसीलिए वापस आए बिकॉज हुला लाला को ऑलरेडी पता लग गया था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। एंड वो इस विलेज में वापस क्यों आए नीचे, बिकॉज उन लोगों को पता लग गया था कि मैं यहाँ पर फिर से आ चुका हूँ वापस। उसने वो देख लिया था, उसको ऑन द स्पॉट खड़ा होना पड़ता है उस जगह पे, एंड उस पर्टिकुलर जगह के कुछ 20 या 30 ब्लॉक के रेडियस का फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है ना, छोटा सा एक सेगमेंट, एक या दो सेकंड का, वो उसको दिख जाता है। उसके अलावा गाइस इसने मुझे एक और बात बताई है कि जो होगा एंड हुला है उनको मारना इस वर्ल्ड में हिमलैंड्स में इम्पॉसिबल है, उनको सिर्फ एक जगह पे मारा जा सकता है गाइस, डार्क हिमलैंड्स में। और इस बंदे ने डार्क हिमलैंड का नाम लिया मेरी आंखों के सामने, एंड आई एम शॉक्ड, मेरे को एक्चुअली अब डर लग रहा है भाई। व्हाई? बिकॉज इसने मुझे एक और बात बताई है, डार्क हिमलैंड के अंदर जाने का एक रास्ता अवेलेबल है। और इसने गाइस मुझे एक और बात बताई है कि होगा लाला एंड हुला लाले को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, मार नहीं सकते, मार सकते सिर्फ डार्क हिमलैंड में। एंड डार्क हेमलैंड के अंदर हम लोग कैसे जा सकते हैं वो ये मेरे को एक ही शर्त बताने वाला, जब मैं इसकी एक और मदद करूंगा। तो इस बंदे ने मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई, लेकिन ये बदले में क्या चाहता है, क्या कर रहा है? अच्छा आर्मर पहन रहे हो सर आप, और पहले से पहन के रखते हैं यार। तो देखो गाइस, इन्होंने मेरे को एक बात बताई है, इनके विलेज के जितने, क्योंकि राजा है तो इसके विलेज की जितनी प्रजा है ना, वो होगा लाला ने कहीं पे कैप्चर करी हुई है हुला लाला को बचाने के चक्कर में। तो इसने मुझे बताया कि अगर मैं उन सारे के सारे विलेजर्स को बचा के वापस लेकर आ जाऊंगा बहुत ही जल्द, लाइक अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो ये मेरे को यहाँ पे डार्क हेमलैंड तक जाने का रास्ता बताएगा, और मैं कैसे एसडीओ के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता। इसने मुझे बताया कि तेरा कोई बंदा वहां पे फंसा हुआ है ना, तो उसके साथ डायरेक्ट बात कर सकता है, जैसे एसडीओ ने मुझे कॉल किया था वैसे मैं उसको कॉल कर सकता हूँ वहां पे। कैसे कर सकता हूँ ये मुझे तभी बताएगा। एंड इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उससे पहले ही अगर होगा हुला ने इसको पकड़ लिया तो उसको मार देंगे, और दुनिया का इकलौता आदमी बचा है जो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन बता सकता है। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग बन चुके गाइस, नेक्स्ट एपिसोड यहीं से आगे मैं शुरू करने वाला हूं, और मैं जाने वाला हूं उन विलेजर्स को बचाने के लिए, एंड उसके नेक्स्ट एपिसोड में होगा एंड हुला का मैं यहां पर खेल खत्म करने वाला हूं। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है आप लोगों से ऐसी दास्तान वीडियो में। बाय बाय।